नमस्कार, मैं हूं सुनील मोबी। आप देख रहे हैं मगध संवाद। दाऊद नगर जितिया उत्सव पर मगध संवाद की खास पेशकश। दाऊद नगर अनुमंडलीय शहर में जितिया एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जितिया के रंग में सभी रंग जाते हैं। इन दिनों जितिया की खुमार पूरे शहरवासियों पर दिखने लगा है। दाऊद नगर के जितिया उत्सव पर मगध संवाद की खास पेशकश दैनिक जागरण के युवा पत्रकार संतोष अमन के रिपोर्ट पर पूरी तरह से आधारित है। अभी पूरी रिपोर्ट जानने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की खबरों से आप रहें अपडेट। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर के साथ कमेंट कर बताएं और अपने लोगों में शेयर करें, ताकि दाऊद नगर के जितिया उत्सव एक राज्य स्तर पर चर्चित हो और एक सम्मान मिल सके। दाऊद नगर जितिया के रंग में सभी रंग गए हैं। सड़क पर नकल निकल रहे हैं। 21 सितंबर से नकल अभिनय प्रतियोगिता अपने शबाब पर होगा। हालांकि नकल अभिनय प्रतियोगिता होने से कलाकारों को मंच मिला, उन्हें नया कुछ करने की जोश मिली है, अच्छी एकांकी देखने को मिलती है। लोगों को भी सभी प्रस्तुति इन मंचों के माध्यम से देखने को मिल जाती है, पर कुछ पुराने नकल से लोग वंचित रह जाते हैं। पहले जहां 9 दिन नकल से शहर गुलजार रहता था, सड़क पर साल भर में एक पैसा खोपड़ी मसान स्त्री के रूप धारण कर अचानक किसी का पैर पकड़कर रोने लगे जाना, लैला मजनू चिल्लाते हुए मजनू का दौड़ना सहित कई नकल की संख्या यदा कदा ही देखने को मिल रही है। अब आखिरी के 3 दिन नकलों की भरमार रहती है। झांकी एकांकी दम मदार सहित नकल से गुलजार रहता है। पहले पुरानी रजिस्ट्री कार्यालय के निकट राम मंदिर के पास मेला का दृश्य रहता था। सभी नकल एक बार जरूर यहाँ से गुजरते थे। दुकान सजी रहती थी। दूर के गांवों से लोगों की जमघट लगी रहती थी। कभी लाल देव काला देव की सीटी गूंजती थी तो कभी खोपड़ी लिए हुए गरजते हुए नकल आता था तो लोग सहम जाते थे। कभी डायन बने हुए नकल झाड़ू से लोगों को पीठ पर मारता था तो लोग हंसने लगते थे। हालांकि पहलान के दिन अभी भी हल्का भीड़ रहती है। एक और प्रस्तुति लैला मजनू, जब सड़कों पर मजनू बना कलाकार लैला के पीछे लैला लैला चिल्लाता था, तब सभी लोग अपने कार्य को छोड़कर यह प्रस्तुति देखने पहुंच जाते थे। मजनू का मेकअप भी शानदार होता था। सिर पर खून से सना पट्टी, फटा कुर्ता, जगह जगह शरीर पर जख्म, पूरी तरह पागलपन का मेकअप। साथ दूसरा लैला बना किरदार महिला की मेकअप में, साथ डबली एवं ढोलक लिए इनकी टीम। जानकारी के अनुसार लगभग 10 से 12 साल से यह प्रस्तुति देखने को नहीं मिल रही है। अगर बात दूसरी ओर करें तो सचमुच दाऊद नगर के जितिया का बहुत नाम है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जितिया के आगाज होने के साथ लोगों के रिश्तेदारों को पहुँचना शुरू हो गया है। लोग दूर से दाऊद नगर के जितिया देखने पहुँचते हैं। यह शहर कलाकारों का रहा है। जितिया में सभी कलाकार बन जाते हैं। जिन्होंने कभी कला का प्रदर्शन नहीं किया है वह भी जितिया में प्रस्तुति देता है। प्रस्तुति भी ऐसा कि आप कह ही नहीं सकते हैं कि यह मंझा हुआ कलाकार नहीं है। खुद निर्देशक, खुद भूमिका, खुद स्त्री की भूमिका, प्रस्तुति भी हैरान करने वाला रहता है। ऐसा ही एक शख्स ने जो लगातार 4 साल से ओबरा टिपान गोकुल चला जेहल खनवा की प्रस्तुति देकर सभी को रोमांचित कर रहा है। वार्ड संख्या 11 के निवासी संतोष कुमार गुप्ता जब डाकू का किरदार निभाता है तो लगता है कि किसी दूसरी दुनिया से आया है। अलाउद्दीन के चिराग का जिन्न जैसा बाल, पूरे शरीर लाल रंग से रंगा हुआ, पूरे शरीर भारी सीकर से बंधा हुआ, दो हाथों में बड़ा बड़ा चाकू, पीछे पीछे सीकर को पकड़े 11 लोग, पुलिस की भूमिका में चलते 3, पीछे से आवाज लगाते ओबरा टिकान बाबू चला जे लखनवा। जिधर से निकलता है उधर से भीड़ हटते जाती है। बच्चे अच्छे अच्छे लोग सहम जाते हैं। संतोष को इस भूमिका में लाने में उदय ठाकुर का महत्वपूर्ण हाथ है। उदय बताते हैं कि इसे तैयार करने में 2 घंटा से ऊपर लगता है। इनकी कद काठी को देखते हुए जेहन में आया था क्यों ना इसे इस भूमिका में उतारा जाए। दाऊद नगर जितिया उत्सव पर आज इतना ही। जितिया उत्सव के सभी चीजों पहलुओं को जानने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।